तुरंत नज़दीकी चौकी इंचार्ज को फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि वो बाहर हैं। कोई बात नहीं, वो बाहर थे, चौकी में और भी पुलिस अधिकारी थे, उनको भेज सकते थे, चलो कोई बात नहीं। सिटी थाने में फ़ोन किया, उन्होंने मेरा फ़ोन रिसीव नहीं किया। यहाँ तक कि मैंने बड़े अधिकारी को फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि आज मैं छुट्टी पर हूँ। चौकी इंचार्ज छुट्टी पर होने का बहाना करता है तो थाने में फोन रिसीव नहीं किया जाता है। सीओ से डीआईजी तक शहर में ना होने का बहाना करते हैं। ये हाल है हरियाणा की खट्टर पुलिस का। जी हाँ, किसानों को कुचलने के लिए मनोहर लाल खट्टर ने सरकारी लठैतों को इस हद तक बेलगाम कर दिया है कि अब खाकी वर्दी वाले घटना पर पहुंचने की बजाय बहानेबाजी करने लगे। हरियाणा के यमुनानगर की वर्दी ने 2 दिन पहले ऐसा ही कुछ कारनामा किया। डिस्ट्रिक्ट के थाना जगाधरी इलाके के मीडिया कर्मी और सोशल वर्कर सतीश कुमार पर 2 दिन पहले पड़ोसी ने हमला किया। सतीश कुमार ने चौकी इंचार्ज को फोन किया, मगर चौकी इंचार्ज ने खुद के बाहर होने का बहाना करके फोन काट दिया। थाने पर फोन रिसीव नहीं किया गया। आला अफसरान को पीड़ा सुनने की आदर नहीं है। इन हालात को देखकर आप गर्व से कह सकते हैं कि आप उसी आजाद देश में रहते हैं जहां आज भी ब्रिटिश रूल लागू है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सतीश कुमार, पत्रकार जगाधरी हरियाणा से हूं। और मैं जो कि हमारा कच्चा मकान था, वो कच्चा मकान बनवा रहे थे, 4 दिन पहले हमारा लेंटर भी डल गया। जो हमारे पड़ोसी हैं वो बहुत ही दुखी थे कि हमने अपना घर क्यों बनाया। अभी एक छोटी सी दीवार वह लोग पड़ोसी बना रहे थे। मैं और मेरी सिस्टर जो कि मिस्त्री लगे हुए थे, तो हमारा फर्ज है कि हम देखें कि ईंट इधर से उधर तो नहीं लगा रहे थे, हम अपनी छत पर ही खड़े हुए थे। लेकिन पड़ोसी की पत्नी बोल पड़ी हमें कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। मैं समझाने लग रहा था उन लोगों को, लेकिन धीरे धीरे वो समझे नहीं, ना समझ गाली गलौज पर उतर आए। यहाँ तक कि मारने की धमकी भी दी गई, एक पत्रकार को और उसकी फैमिली को जान से मारने की धमकी दी गई। वो जो लड़का है, गुंडा टाइप का लड़का है, कहा कि तुम लोगों को घर से बाहर निकाल देंगे और जान से मार देंगे। मैंने तुरंत उनकी वीडियो बना ली, तो उसकी माँ, पत्नी और लड़के ने कहा कि अगर तूने वीडियो वायरल करी तो तेरे को और तेरी फैमिली को जान से ख़त्म कर देंगे। मैंने तुरंत नज़दीकी चौकी इंचार्ज को फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि वो बाहर हैं। कोई बात नहीं, वो बाहर थे, चौकी में और भी पुलिस अधिकारी थे, उनको भेज सकते थे, चलो कोई बात नहीं। सिटी थाने में फ़ोन किया, उन्होंने मेरा फ़ोन रिसीव नहीं किया। यहाँ तक कि मैंने बड़े अधिकारी को फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि आज मैं छुट्टी पर हूँ।